हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतास किचन। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के चीले, मूंग दाल स्टफ्ड चीले बनाएंगे, पनीर स्टफ्ड चीले। तो बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो इस तरीके से है। मैंने यहाँ पे मूंग दाल ली हुई है। मैंने 2 बाउल छोटे छोटे मूंग दाल भिगोई थी रात में, ओवरनाइट भिगोया, और इसको अब हम इसको पीसेंगे और भीग के इस तरीके से तैयार हुई है। आप चाहें तो 4-5 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं, आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो दीजिए अगर आपको टाइम है आपके पास तो। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी यहाँ पे बारीक शिमला मिर्ची ली हुई है कटी हुई। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम से यहाँ पे पनीर लिया हुआ है जो मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून में सॉरी बन मैंने एक यहाँ पे हरी मिर्ची ली है बारीक काट लिया है मैंने। 2-3 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने ये अदरक ये लहसुन काट लिया है। आप चाहें तो अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं स्किप कर रही हूँ अदरक यहाँ पे। और ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले लिया 1/2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ जीरा लिया हुआ है, 1/2 टेबल स्पून मैंने अजवाइन लिया हुआ है, और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे नमक लिया हुआ है। और ये थोड़ा सा पानी हम यूज़ करेंगे ये बैटर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये ऑयल लिया है हमने, ये हम जो चीले सेकेंगे उसके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये दाल का एक मिक्सचर तैयार करते हैं। इसको मिक्सचर ग्राइंडर में डाल लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स ये मैं स्टफ चीले बना रही हूँ यहाँ पे, तो मैं ये दाल में कोई हरी मिर्ची वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं सारी दाल डाल लेती हूँ यहाँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारी दाल डाल ली है इसमें। अब बस हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। मैंने हाफ कप से भी कम पानी यूज़ किया है यहाँ पे। आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा। तो आप जब आप दाल पीसते हैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए। आप अगर ज़्यादा गाढ़ा बैटर आपका बनेगा तो आप बाद में भी पानी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें इसको पीस लेंगे अच्छे से, उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने दाल पीस ली है। वाव, ये हमारी इतनी थिक दाल है, ये देखिए इस तरीके से। और जो हमें चीले बनाने के लिए जो दाल चाहिए वो इसी तरीके से चाहिए। अगर आपका बैटर इस समय थोड़ा सा अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा पानी ऐड करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके से ऐड करना है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, बड़े बाउल में दाल सारी। ये निकाल ली मैंने सारी दाल, और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा, जस्ट थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। अब इसको हम मिक्स करके और एक साइड रख देते हैं, और इसका पनीर का स्टफिंग बना लेते हैं हम जब तक। तो ये हमने मिक्स कर दिया, इसको हम एक साइड रख, ये मैंने पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। इसमें पैन गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून यहाँ पे ये डालेंगे ऑयल, और अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। थोड़ी सी अजवाइन, आप अजवाइन जीरा खाना पसंद करते हैं तो डालिए, अगर कुछ आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। और आप यहाँ पे हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। और ये मैं यहाँ पे अदरक डाल दी, और यहाँ पे आप जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास जिंजर पेस्ट है वो डाल दीजिए। और मैं इसमें शिमला मिर्ची डाल दी, इसको चला देंगे अच्छे से। और गैस का फ्लेम थोड़ा तेजी रखेंगे क्योंकि हमें इसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा क्रंची रखना है, तो इसलिए इस तरीके से। अब हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे इसमें।
ये है मेरे पास थोड़ा सा अजवाइन बच गया है, मैं अजवाइन इसमें भी यूज करूंगी, मसाले में डाल दूंगी, चला देंगे। इसको ज्यादा शिमला मिर्ची को आप ओवर कुक ना करें, ओवर कुक होगी तो अच्छा नहीं लगेगा उतना अच्छा टेस्ट, थोड़ा सा क्रंची रखेगा। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, जो मैंने नमक लाल मिर्ची, आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी, आप बच्चों के लिए बनाए तो हरी मिर्च थोड़ा कम यूज करिएगा, हरी और लाल मिर्च। अब हम यहाँ पनीर ऐड कर देंगे सारा, अगर आप इसमें चीज ऐड करना चाहें स्टफिंग में, चीज आलू कुछ भी, तो आप